वंदे गुरुपद्द्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं वृंदावनमनोहरं वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावै तुलसीदेवै पियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोदरन धैयम सदा परिभवन्म अविष्टदूहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनतम शरण्यम वेतात्तिहम पनुतपाल भवाद्विभूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यत्पाद पल्लवनखचंदमणि छटाय विस्फुरीजित किमपि कपोदुष्वदर्शि पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करुणा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद स्याद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियादत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकेतनैकवितरो कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 नमामि गंगे तव पाद पंकजम् सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं मुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरवती भजवीशनाथं वागीशयशोवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविहितं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
काहं रजः प्रभव ईशो तमो अधिके अस्मिन् यातः सुरेतरकुले क्वा तवान कंपा न ब्रह्मनो न च भवस्व न वै रमाया जन्मे अर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः क्वाहं रजः प्रभव ईशो तम अधिके अस्मिन् यातः सुरेतरो कुले कौतवान कंपा न ब्रह्मणो न च भवस्व न वै रमाया जन्मे अर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए दैत भगवान का सुख का अनुसंधान करना इसका नाम है सेवा। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए जैसे ठाकुर जी का सर्वांगीण संतुष्टि हो सके ये सुखों का अनुसंधान करना भगवान का सुख का अनुसंधान करना सेवा है। और जिसमें अपना सुख सुविधा का बातें हैं इसको एन्जॉयमेंट मेटेरियल एन्जॉयमेंट बोला जाता है। भगवान का सुख का अनुसंधान करना भगवान का सुख का अनुसंधान करना ये भक्ति है ये सेवा है। अपना सुख का अनुसंधान करना इसका नाम है काम भोग। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर काम अंधतमो प्रेम है निर्मल भास्कर चैतन्य चरितमृत में बताया। अतः काम और प्रेम में एक इन्फिनिट डिफरेंस है बहुत अंतर। काम ब्लाइंड है अंधा है माया का प्रभाव के द्वारा। ये जो काम है ये काम जिसका हृदय में रहे वो अंधा हो जाता है उसको सही दिखाई नहीं पड़ता कुछ वो उल्लू बन जाता है। प्रभुपाद अक्सर कहते थे बद्ध जीव अपना दोष को अनुसंधान नहीं कर सकता। बद्ध जीवों का ये स्वभाव है अपना कोई दोष देख नहीं सकता दूसरे का दोष अनुसंधान करना बद्ध जीवों का ये स्वभाव है अपना दोष कुछ नहीं देख सकता। प्रभुपाद कहते थे जब बद्ध जीव अपना दोष देख नहीं सकता संभव नहीं है दूसरे का दोष देख सकता। चैतन्य चरितमृत का जो श्लोक बताया उसमें जो संस्कृत श्लोक बताया वो तो चैतन्य ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण प्रह्लाद महाराज का और बाद में जो चैतन्य चरितमृत का श्लोक उठाया काम और प्रेम में एक इन्फिनिटी डिफरेंस है काम अंधा है आ प्रेम निर्मल भास्कर। काम अंधा इसलिए क्योंकि माया के प्रभाव के द्वारा जिसका अंदर में काम पैदा हो जाता है वो कुछ उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता वो ब्लाइंड हो जाता है पूरा अंधा। सच्चा क्या है झूठा क्या है न्याय क्या है अन्याय क्या है वो कुछ नहीं देख सकता उल्लू बन जाता। काम अंधतमो प्रेम है निर्मल भास्कर। निर्मल भास्कर प्रेम सूर्य उदय रसामृत सिंधु में भी बहुत जगह कहा गया प्रेम सूर्य। क्यों सूर्य के साथ उदाहरण दिया गया बोले महाराज इसलिए उदाहरण दिया गया सूर्य जैसे उठने का पहले एक लालिमा एक लाल जैसा भाव दिखाई पड़ता है अरुणोदय
उसका बाद धीरे धीरे सूरज आसमान में दिखाई पड़ता है। इसलिए हमारा भक्ति का रास्ते में जैसा रास्ता है, आदौ गुरु पदाश्रय तस्मात कृष्ण दीक्षादि शिक्षा नाम, ये रास्ता है। ये रास्ता में धीरे धीरे गुरु पदाश्रय से लेकर धीरे धीरे अनर्थ हट जाए से उसका बाद रुचि प्रेम धीरे धीरे आगे चले, ऐसा नियम है। और प्रेम क्या चीज है ये कोई डेफिनेशन देके समझाया नहीं जा सकता। क्योंकि ऐसा एक चीज है जिसका हृदय में पैदा हुआ है वो छोड़ के बाकी बाहर का आदमी समझ नहीं सकता। और ये प्रेम जो है, प्रीति जो है, इसका साथ स्मृति, ये दोनों जोड़ा हुआ है। अगर प्रीति है तो जरूर स्मृति भी है, अगर स्मृति नहीं है तो जरूर प्रीति भी नहीं है। जिस वस्तु में मेरा प्रीति है स्वाभाविक रूप में इसका स्मृति बने रहता है। जिस वस्तु और व्यक्ति के लिए मेरा प्यार है, मेरा मोहब्बत है, खिंचावट है, उसका स्मृति तो रहेगा ही। और स्मृति नहीं है तो प्रीति नहीं। मैं भूल गया गुरु सेवा, मतलब गुरु का वर कोई प्रीति नहीं है। भूल गया मतलब स्थिति नहीं है। सेवा में बिल्कुल जो ध्यान है हर वक्त हर पल पर में सेवा कैसे मैं चिंतन करना कैसे करना है क्या करना है, ये भक्ति का ही नाम है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान हरि इस जगत में अर्चा रूप में और नाम रूप में दोनों अवतार पकड़ के आते हैं। अर्चा अवतार और नाम अवतार प्रति जिन लोगों का श्रद्धा पैदा होता है, अर्चा अवतार और नाम अवतार, ये लोगों का मंगल होना ही है, होगा ही। और कपट भाव रहने से शिव विग्रह या तो श्री नाम संकीर्तन हो ही नहीं सकता। जिसका हृदय में कपट भाव है उसका लिए हरि कीर्तन हरि सेवा संभव नहीं है बिल्कुल। और नाटकबाजी चले तो चले, कहाँ तक चले। कपट भाव रहने से श्री विग्रह सेवा, भगवत सेवा और श्री नाम संकीर्तन होना संभव नहीं। शुद्ध भक्तों, निष्कपट जो भक्तों का सेवा उस संगो छोड़कर हमारा मंगल होने का कोई चांस ही नहीं है। शुद्ध भक्तों निष्कपट सेवा और उनके संगों के बिना अलावा हमारा मंगल का दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अगर कोई सोचे कि भगवान और भक्तों को हम बोका बना देंगे, वंचित करेंगे, तो ये मूर्ख नंबर वन, सबसे बड़ा मूर्ख यही है। अगर कोई सोचे कि भगवान और भक्तों को बोका बना देंगे, वंचित करेंगे, ये जानता ही नहीं, ये संभव नहीं। और इन लोगों के लिए भक्ति बोलकर कोई चीज आ ही नहीं सकता। भगवान का सेवा करना और भगवान का सेवा का नाटक करना, ये एक नहीं है। प्रभुपाद कहते थे जैसे किसी ड्रामा में एक्चुअल कोई कुछ नहीं है, ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में जैसे नकली है, चाहे रो पड़े या तो कुछ भी करे, सब नाटकबाजी है, कुछ नहीं तो ड्रामा है। प्रभुपाद अक्सर कहते थे ये ड्रामा का अंदर जैसे रियलिटी का अभाव है, ऐसे ही कपट व्यक्ति का हृदय में कोई रियलिटी नहीं हो सकता, वास्तवता नहीं है।
तो रियलिटी नहीं है तो परम वास्तव वस्तु रियल जो वास्तव वस्तु उसका साथ नाता जोड़ना उसका लिए संभव नहीं है। प्रभुपाद अक्सर कहते थे से ओरछा मूर्ति शिवो, और जैसे हमारा कोई भी एक भी गलती ना हो जाए वो विग्रह का विग्रह साक्षात भगवान ऐसा करके सेवा करना है। इसीलिए विग्रह सेवा और गुरु वैष्णव की सेवा हर आदमी कर नहीं सकता। किसी को तनख्वाह देखे हम सेवा करवा लेंगे ये संभव नहीं। एकमात्र सद्गुरु चरण का निष्कपट सेवक, एकमात्र सद्गुरु चरणाश्रित निष्कपट सेवक श्री विग्रह अथ नाम प्रभु का सेवा करने में समर्थ है, कर सकता है। विष्णु वैष्णव सेवा सर्वोत्कृष्ट, लेकिन सरलता वैष्णवता, सरलता अगर हट गया तो वैष्णवता नहीं बचेगी। विष्णु वैष्णव सेवा सर्वोत्कृष्ट ऐसा एकदम कठोर विश्वास लेके सेवा करना है। विष्णु वैष्णव सेवा सर्वोत्कृष्ट ऐसा माफिक सुदृढ़ विश्वास जब तक ना पैदा हो तब तक हमारा जिंदगी में मंगल होने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम पहले श्रद्धा के साथ विग्रह का सेवा करना जरूरी है। जब भी ये कनिष्ठ अधिकारी में ये हो फिर भी आगे चलकर गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा सेवा करते करते फिर मध्यम अधिकार का पहला स्टेज पहुंच जाएगा, क्योंकि हर स्टेज का तीन, हर अवस्था का तीन स्टेज है। कनिष्ठों का तीन, कनिष्ठों का प्रारंभ, कनिष्ठों का मिडिल और कनिष्ठों का उत्तम। ऐसे मध्यम अधिकारी भी मध्यम अधिकार का स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभ, उसका मध्यम अधिकारी का मीडियम अवस्था और उत्तम अवस्था, ये तीनों तीनों अवस्था। और उत्तम अधिकारी का भी है परमांश, उत्तम अधिकारी का भी तीन उद्याय तीन अवस्था। एक है पहला स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप। श्री विग्रह सेवा नाम सेवा भगवान का सुख के लिए करना चाहिए। इसका अंदर में कोई मिलावटी हो, अपना कोई आशा आकांक्षा रहे, मिलावटी रहे तो हो नहीं सकता। हर वक्त सदाचार पालन करके भगवत विग्रह भगवान नाम का भी सेवा करना है प्यूरिटी लगाकर, नहीं तो सेवा करना बिल्कुल संभव नहीं है। भगवत सेवा करना बिल्कुल संभव नहीं है। जो श्लोक देके शुरुआत किया था ये तो प्रह्लाद महाराज जैसा सरल व्यक्ति, प्रह्लाद महाराज महाभागवत वैष्णव सरल भाव से ऐसा विनती किए भगवान के चरण में, इसी का नाम है त्रिनाद विभाग। प्रह्लाद महाराज जब भी प्रह्लाद महाराज ही है, अभी प्रह्लाद महाराज त्रिनाद भी है, प्रह्लाद महाराज के अंदर में कोई कमी नहीं रह सकता, कोई अहंकार नहीं सकता नहीं रह सकता। फिर भी ये प्रह्लाद महाराज का स्वाभाविक विनती है। इसीलिए नृसिंह भगवान को सप्तम स्कंद में 9 अध्याय में कह रहे हैं कहां मैं रजो प्रभाव ईशो, कहां मैं हूँ रजोगुण का प्रभाव में दलित हूँ बिछड़े हूँ, कहां मैं रजोगुण का प्रभाव से दलित हूँ बिछड़े हूँ, इसका प्रभाव से मारे जा रहा हूँ और इसके कारण तमो अधिक अस्मिन
रजोगुण का प्रभाव के द्वारा ऐसा हालत है और तमोगुण का बाह्य प्राचुर्य है और मेरा जन्म हुआ है असुर कुल में, यातः सूर्यतरो कुले क्वा तवानुकंपा। मेरा जन्म हुआ है असुर कुल में प्रभु जी, और ये असुर कुल में जन्म होने के नाते स्वाभाविक रजोगुण है, तमोगुण तो है ही है, और कहाँ आपका अनुकंपा। यातः सूर्यतरो कुले क्वा त्वानुकंपा, और कहाँ आपका करुणा है। ये मेरे को आपका करुणा प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, अब तो कुछ भी नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज ने साफा कह दी, भगवान फिर भी मेरा इतना सौभाग्य है कि न ब्रह्मणो न च भवस्यो न वै रमया। ब्रह्मण अर्थात ब्रह्मा जी या तो भवो शंकर भगवान या तो रमा देवी जो शक्ति है भगवान का, कभी भी इन लोगों का ऊपर अपना कर कमल अर्पित नहीं हुआ। कभी भी आपका कर कमल इन लोगों का ऊपर नहीं हुआ है, अर्पित नहीं हुआ है। न ब्रह्मणो न च भवस्व न वै रमया जन्मे अर्पित शिरसि पद्मकर पदास प्रसाद। आपका कर कमल अर्पित कर दिए मेरा सर पे, इससे बढ़कर क्या चाहिए, सबसे बड़ा है। न ब्रह्मणो न च भवस्व न वै रमया, रमा देवी या तो ब्रह्मा या तो शंकर, किसी का सर पे आपका करकमल कभी भी अर्पित नहीं हुआ। और इस विषय में तो मेरा सौभाग्य है ही है, और कहाँ आपका कृपा है, कहाँ मैं रजतम गुणी असुर कुल में पैदा हुआ, ऐसा नीच घटिया दलित हाँ बिछड़े और असुर कुल में पैदा हुआ मैं सूर्य तरह कुले, और कहाँ आपका अनुकंपा। आपका अनुकंपा तो हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यूं समझ लो कि ये प्रहलाद महाराज का विनती है, प्रहलाद महाराज का विनती है, कुछ नहीं है। क्योंकि प्रहलाद महाराज ना तो रजोतम गुण से भरपूर है, कुछ नहीं है। प्रहलाद महाराज का अंदर में रजोतम गुण का कोई अस्तित्व नहीं है, हो नहीं सकता। ये तो इच्छा करके बताए प्रहलाद महाराज, क्योंकि हम लोगों को पता है जे भगवान का नाम जिसका जवान पे है, चाहे वो चांडाल हो, फिर भी उसका महिमा कहने का लायक नहीं, इतना महिमा है। अहो वतो शपचतो गरियां जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यां स्तेपुस्तपा तपस्ते जुहु सुष्णु राजा ब्रह्मणानुचु उचुर्नाम गृणन्ति जेते। अहो वतो शपचतो सपचो अथो गरियाम, बोलो क्या कहे। जीवभागे जीवभाग्रे वर्तते नाम दुव्याम, आपका नाम ठाकुर जी, आपका नाम जिसका जवान पे है, उसको कहना ही क्या है। अहो बतो, या अगर सपच भी हो जाए, सपच फिर भी इसका बड़ा महिमा है। अहो बतो शपचो अतो गोरियान जज्जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यां ते पुस्तपस्ते जुहु सुष्णुराजा
ब्रह्मणा चूर्णाम गृणन्ति जेते। कई बार भगवान कह चुका है, बहुत हरिभक्त विलास में भी है, जे में अभक्त चतुर्वेदी, जे में अभक्त चतुर्वेदी मद्भक्त सफज प्रिय तस्मै देयम् ततो ग्राह्यम् सच पुयो यथा ही अहम। अब क्या कहना है बताओ? भगवान कह दिया मेरा भक्त अगर है, वो अगर सपच भी है, सपच कुल में पैदा हुआ है, इसका महिमा कई बहुत, इसका महिमा के बारे में कहना ही क्या है। जबकि कोई चतुर्वेदी हो, चतुर्वेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी हो, इसका अगर दिल में भक्ति नहीं है तो क्या काम का। नौमी अभक्त चतुर्वेदी मद्भक्त सपचो प्रिय तस्मै देयम् ततो ग्राह्यम् सच पूज्यो यथा ही अहम्। इसको इतना इज्जत देना है, इतना सम्मान देना है, इतना आरती उतारना है कि तस्मै देयम् तस्मै ततो ग्राह्यम्। तस्मै देयम् इसको ही देना चाहिए, सब कुछ जो मेरे को देने के लिए तैयार किया, तस्मै देयम् ततो ग्राह्यम्, इसको सम्मान देना है। क्योंकि ये मैं जैसा आपका सामने पूज्य हूँ, मैं जैसा आपका पूज्य हूँ, ये सपच भी भक्त सपच जैसे गुहक चंडाल, ये भी मेरा पूज्य है, ऐसा विचार करके भगवान ने बताया। ये प्रहलाद महाराज का, ये प्रहलाद महाराज का स्वाभाविक दैन्य है। प्रहलाद महाराज ना तो रजोगुण में है, ना तो तमोगुण में, कुछ नहीं है, ये तो कहने का बात है। और जिसका अंदर में भगवत भक्ति है, यहाँ शुरुआत होने जा रहा है श्रीमद् भगवद गीता का षोडशोध्याय, जिसमें दैवी गुणावली का बारे में खुल्लम खुल्ला भगवान ने विचार करके रख दिया, हमारा सामने पूरा विचार करके रख दी। ये दैव गुणावली जो है, याद है दैव वर्णाश्रम के बारे में हम चर्चा किया था, और इस विषय में लंबा चर्चा हुआ था अंग्रेजी कथा में, हिंदी में भी हुआ, बहुत कम, ज़्यादा नहीं। और ये दैव वर्णाश्रम ऐसा है, अपना पूर्व कर्मफल के अनुसार वर्तमान शरीर पकड़ने के बाद जो स्वभाव पैदा हो रहा है, अभी पैदा हुआ है, उसी का मुताबिक दैव वर्णाश्रम को स्थापन किया गया। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणो कर्म विभाग से, गुण और कर्मों का विभाग के अनुसार। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण होनी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ये दिखाया था। जस्यो यत् लक्षणम प्रथम पुंसो वर्णाभिव्यंजकः, भगवान ने कह दिया 11 स्कंद में, जस्यो यत् लक्षणम प्रथम पुंसो वर्णाभिव्यंजकः, वर्ण अभिव्यंजकः, क्या वर्ण है, इसका व्यवहार आचार आदर्श से दिखाई पड़ता है। जस्यो यत् लक्षणम प्रथम पुंसो वर्णाभिव्यंजकः तदन्नत्रो दृश्येत तत्ते नैव विनिर्दिशेत, जिसका जो आश्रम में पैदा हुआ वो भाव अगर उसका अंदर में है स्वभाव, तो ठीक है, और अगर बाहरी दृष्टि में कुछ दिखाई नहीं पड़ता कुछ, तो जस्यो यत् लक्षणम प्रथम पूर्ण जस्यो यत् लक्षणम प्रथम पुंसो वर्णाभिव्यंजक, जिसका जो लक्षण पैदा होता है वर्णाश्रम का, जस्यो यत् लक्षणम प्रथम
पुंगशो वर्णा व्यंजक। अगर बाहरी दृष्टि में निर्णय करना संभव नहीं है तो अंतर्दृष्टि में उसका आचरण, व्यवहार, एक्टिविटी, स्वभाव, इसका आधार पर रहनी चाहिए। षोड़श अध्याय बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अध्याय अगर समझ में नहीं आए तो जिंदगी भर असत्संग ही चलते रहेगा। ये जो षोड़श अध्याय है, इसमें जो भगवान बताया दैव भाव को, किसका रजो भाव है, किसका तमोगुणी भाव है, किसी का सतोगुणी भाव है, ये अगर समझ में नहीं आए तो भजन का नाम पे ऐसा ही असत्संग चलते रहे। अगर ये सब लक्षण समझ में आए तो उसका मुताबिक अपना जीवन जिंदगी को बनाने का कोशिश करना चाहिए सत्संग का प्रभाव से, और नहीं तो मुश्किल। यहाँ षोड़श अध्याय में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, भगवान कह रहे हैं अभयम सत्य संशुद्धिर् ज्ञान योगो व्यवस्थिति ध्यानम दमश्च यज्ञश्च साध्यायोस्तप आर्जवम। क्या बताया? अभयम सत्य संशुद्धिर् ज्ञान योगो व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च साध्वायोस्तप आर्जवम। श्री भगवान वाच अभयम, जिसमें कोई भय नहीं पैदा हो, अभयम सत्य संशुद्धि चित्त शुद्धि, सत्य शुद्धि माने चित्त शुद्धि, अभयम सत्य संशुद्धिर् ज्ञान योगो व्यवस्थितिः दानम दमश्चो यज्ञश्चो श्रद्धायोस्तप आर्जवम् अहिंसा असत्यम अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैषणम् दया भूतेषु अलुलुप्तम मार्दवम ह्रीचापलम तेयः क्षमा धृति शौचम आद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभियात स्वभारत। हे भारत, हे अर्जुन, भारत कुल श्रेष्ठ अर्जुन, जिन्होंने दैवी संपद लेके आविर्भाव हुआ है वो कैसा है, इसका बाद में आगे चल के कैसे रजगुण का प्रभाव लेके पैदा हुआ, उसका व्यवहार कैसा, और शतगुण का प्रभाव लेकर पैदा हुआ है, भाव लेकर पैदा हुआ, उसका कैसा। अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, कह रहे हैं कि हे भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, भरत सब अभय, किसी जिसमें डरने का कोई बात नहीं, ये अभय चित्त प्रसाद, अंतरात्मा का प्रशांति, और ज्ञानोपाय दृढ़ निष्ठा, दान संयम यज्ञ वेदोपाठ तपस्या सरलता अहिंसा सत्यवादिता अक्रोध स्त्री पुत्रादि ते ममता त्याग शांति परनिंदा वर्जन सर्वभूते दया अलोलुपोता कोई लोभ नहीं होना मृदुता लज्जा चांचल्यो तेजो क्षमा धैर्य शौचो अद्रोह निरभिमानिता, ये सब जो दैव गुण है,
ये सारे जो है दैव गुण है, ये सब दैवी संपद, दैव गुणों का संपद है। बाकी तो दुनियादारी का जो संपद है तो है ही है, लेकिन ये दैवी संपद है, ये दैवी संपद है। आसुरी संपद का बारे में बाद में चर्चा हो पाएगा। ये सारे जो बताया हमने, ये दैवी संपद अभिमुख जात व्यक्ति दैवी संपद का अभिमुख में पैदा हो, पैदा जो हुआ है ऐसा व्यक्ति का दैवी संपद दिखाई पड़ता है, दिखाई जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, कोई अगर कहने का मतलब है कोई अगर अच्छा मुहूर्त में, मुहूर्त अच्छा स्टार पोजीशन में पैदा हुआ होगा, शुभ क्षण, जिन्होंने कोई अच्छा स्टार पोजीशन में जन्म हुआ है उसका दैवी संपद प्राप्ति होता है। अब ये जन्म भी पिछले जन्मों का जो किए हुए कर्म है उसका ऊपर डिपेंडेड है, तो ये कर्म कांड जो है, कर्म कांड का भाव है, ये चलते रहते हैं। पहले किया हुआ कर्म का भाव है, अभी उसको इसी जोनी में डाल दिया गया, इसी जन्मों में उसका ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब है, अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च श्रद्धायुस्तप आर्जव अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति शांतिरपैशनम। क्या लिखा है? अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योगो व्यवस्थिति, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च श्रद्धायोस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैषणम दया भूतेषु अलोलुपत्वम मार्दवम श्रीरचापलम तेयः क्षमाधृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अवियातस्यो भारत। श्रील सच्चिदानंद भक्तिमती ठाकुर कह रहे हैं, भगवान मानो कि भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा अंदर में अगर ऐसा संशय पैदा हुआ, कैसा संशय, अब तुम्हारा मन में ऐसा अगर संशय हो गया तो जो सर्व शास्त्रों में सात्विक धर्म आचरण पूर्वक ज्ञान लाभ का व्यवस्था दिया गया, क्योंकि सात्विक भाव होने से ही ज्ञान का चर्चा का प्रयास प्रचेष्टा दिखाई पड़ता है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा मंदर मन में ऐसा का संशय हो सकता है, जे सर्व शास्त्रों तमाम शास्त्रों का विचार है सात्विक धर्म आचरण पूर्वक ज्ञान लाभ का व्यवस्था दिया गया, क्योंकि सात्विक ज्ञान से ज्ञान लाभ करने का इच्छा पैदा होती। इसका तत्व क्या है अगर कोई पूछे तो, यही संशय को हटाने के लिए भगवान कह रहे हैं, संसार रूप अशत्थ भिक्षु का दो फल है, पहले भी बता चुका, पहले उद्याय में ये सब चर्चा हुआ, अशत्थ भिक्षा है, इसमें दो फल लगता है, एक सुख दुख का, ये संसार रूपी असत्य भिक्षा में दो किस्म का फल है, एक फल जीवों का
गाढ़ो बंधो साधो का तद बंधन हो सकता एवं और एक फल संसार मुक्ति जनक, संसार का संसार से मुक्ति जनक। जीव सर्वतः शुद्ध सत्वमय, पहले भी चर्चा किया, जीव शुद्ध चेतनमय वस्तु, माया में फंसकर ऐसा हालत हुआ। जीवों का एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव स्वरूपतः शुद्ध जीव स्वरूपतः शुद्ध सत्वमय बद्ध दशा में आकर शुद्ध धर्म एक गुणीभूत हो गया। सत्व शुद्धि करना पहला काम है, सत्व शुद्धि जीवों सत्व शुद्धि करना ही जीवों के लिए पक्के अभय। जब सत्व शुद्धि हो जाता है बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ये इसमें कोई डर भय कुछ नहीं रहता। सत्व संशुद्धि का नाम, सत्व संशुद्धि क्या है इसका बारे में बताया। सत्व संशुद्धि ये जीवों का लिए अभय है। सत्व संशुद्धि का अभिप्राय लेकर सत्व को शुद्धि बनाने के लिए और कोई मकसद नहीं है। सत्व शुद्धि का मकसद लेकर अभिप्राय जितना सारे शास्त्र है, ये ज्ञान जो का व्यवस्था दिया गया, इसका पीछे एक राज है, रहस्य है। वो क्या? ये सारे सत्व शुद्धि का अभिप्राय लेकर अभिप्राय शास्त्रों सब ज्ञान का उपदेश व्यवस्था दिया गया। सत्व शुद्धि का उद्देश्य लेकर जो सब कर्मों का व्यवस्था दिया गया, ये सकल व्यवस्था है दैवी संपद। और जे सब कार्यों के द्वारा जीव का सत्शुद्धि सत्व शुद्धि का व्याघात उपस्थित होता है, खराब हो जाता है। सत्व शुद्धि का अभिप्राय लेकर शास्त्रों तमाम शास्त्रों ज्ञान योग का व्यवस्था दिया गया। और सत्व शुद्धि का उद्देश्य लेकर जे सकल कर्मों का व्यवस्था दिया गया, ये सब इसी कारण ये सब को बोला जाता है दैवी संपद। और ये सब कार्यों के द्वारा जीवों का सत्व शुद्धि का व्याघात, ये सब क्रियाकर्म, ये सब क्रियाकर्म के द्वारा यो सब क्रियाकर्म के द्वारा जीवों का सत्व शुद्धि हो नहीं पाता, इंटरप्शन व्याघात होता है, इसको असुरी संपद बोला गया। भक्ति में ठाकुर जी ने व्याख्या किया। सत्व शुद्धि का उद्देश्य लेकर तमाम कर्मों का व्यवस्था किया गया और ये सब संपद जो है ये दैवी संपद है। और जो सब कार्यों के द्वारा जीवों का सत्व शुद्धि हो नहीं पाता, उल्टा व्याघात हो जाता है, इंटरप्शन हो जाता है, वही सब जो है ये असुरी संपद लिखा गया। अभय, सत्व शुद्धि, ज्ञान योग, दान दम यज्ञ तप आजव वेदपाठ अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति परनिंदा वर्जन दया अलोलुपता अलोलुपता मतलब मृदुता सब अलोलुपता इसका मतलब लोभ नहीं होता। अलोलुपता मृदुता मतलब विनम्र भाव, मृदुता माने मतलब विनम्र भाव। ह्री का मतलब है कोई भी खराब काम करने में शर्मिंदा होना। ह्री का मतलब है
किसी भी खराब काम करने में शर्मिंदा होना ये ही है, अचपलता को चालाकी नहीं करना, तेज स्वाभाविक ब्रह्म तेज रहता है जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तेज क्षमा करना, क्रोध का कारण होने से भी क्षमा करना, धृति शौच वासना तमाम स्थिति धीति इंद्रियो धृति मतलब इंद्रियो गण को कंट्रोल में रखना, धृति तमाम इंद्रियों को बहिरेन्द्रियो अंतरेन्द्रियो अद्रोह किसी का ऊपर आक्रमण नहीं करना, अनभिमानिता कर अभिमान नहीं रखना, ये सब जो शौच धृति सारे लेकर 26 गुणावली जो दैव संपद है, ये तमाम 26 गुणावली जो है ये दैव संपद का अंडर में कैटेगराइज करा किया गया। ये 26 गुणावली के दैव संपत्ति बोला गया, दैव संपद दैवी संपद शुभ वासना अभिलक्ष करके जन्मलब्ध पुरुष शुभ वासना को अभिलक्ष शुभ वासना को अभिलक्ष करके जन्मलब्ध पुरुष का वही संपद दिखाई पड़ता है, और कोई के अंदर ये संपत्ति दिखाई नहीं पड़ती, दैवी संपद। ये दैवी प्रकृति ये अध्याय में भगवान दैवी संपद संसार तरुर उपादेय फल यही वही जो दैव प्रकृति वो जो दैव प्रकृति है दैवी प्रकृति इस अध्याय में दैव संपद संसार तरु का उपादेय श्रेष्ठ फल और वर्तमान अध्याय में भगवान दैवी संपद का उपादेयत्व दैवी संपद होने से क्या क्या लाभ है इस अध्याय में वर्तमान ये अध्याय जो है इस अध्याय में भगवान दैवी संपद होने से क्या क्या लाभ है क्या क्या उपादेयत्व और असुरी संपद का हेयत्व दैवी संपद का उपादेयत्व असुरी संपद का हेयत्व समझाने के लिए धीरे धीरे इच्छा के अनुसार उभय प्रकार का संपद का विषय भगवान बोलते चले। पूर्व अध्याय में याद है ये संसार को एक असत्य भिक्षु के साथ तुलना किया गया, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम, और ये वृक्षों का साथ ये वृक्षों का सहित उपमा करके प्राचीन कर्मों का निमित्त शुभाशुभ वासना यही संसार वृक्ष का अवांतर मूल बोल के वर्णन किया गया। नवम अध्याय में भी देखना प्राणीगणों का दैवी आसुरी राक्षसी पवित्र संपद के बारे में बताया भाव। तन्मध्ये वैदिक विषय अनुष्ठान के निमित्त जो शुभ वासना पैदा होता है ताई सात्विकी और मोक्षों का उपयोगिनी दैवी प्रकृति है। ये होता है दैवी संपद संसार वृक्षों का उपादेय फल, और स्वाभाविक रूप से राग देश का अनुसारिणी जो अशुभ वासना जो सब समस्त अनर्थ का हेतु है और नरक में जाने का रास्ता खोल देता है ये सब राजसी तामसी असुरी राक्षसी ऐसा करके भगवान
व्याख्या किया है। मनुष्य का, आदमी का, कोई भी मनुष्य का ये कर्म फल जो है ये संसार बंधन का मूल कारण है। अनादि कर्म फले परिभवार नवजले तरीवारे नादिखी उपाय। अनादि कर्म मनुष्य का जो कर्म का जो कर कर मनुष्य का जो अपना जो कर्म है मनुष्य का जो अपना जो कर्म है यही संसार बंधन का मूल हेतु है। बंधन का मूल है। संसारिक प्राणीगणों का प्रकृति नेचर पहले ही बताया। प्रकृति का अंदर होने का कारण और अपना स्वरूप विस्मृति के कारण जीव जो शुद्ध चिन्मय वस्तु है ये याददाश्त खो बैठा है और प्रकृति के अंदर में आत्मसमर्पण कर दिया। और ये शरीर प्रकृति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे प्रकृति है, तो कैसा भूतों का मापिक प्रकृति क्रियामाना नहीं हो जाता। संसारी प्राणीगणों का प्रकृति ये दैवी आसुरी और राक्षसी तीनों किस्म का हो सकता है, तीनों किस्म का हो सकता है। और प्रकृति तीन किस्म का होने से भी राक्षसी असुरी प्रकृति को एक ये जो प्रकृति तीनों किस्म का होने से भी प्रकृति को कैटेगरी के लिए दो भाग किया। एक तो आसुरी प्रकृति और दैवी प्रकृति दोनों का अंदर में भाग किया गया। प्रकृति तीन किस्म का होने से भी राक्षसी और आसुरी प्रकृति को एक आसुरी नाम के द्वारा ही व्याख्या किया गया, दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। तो इसमें क्या है, राजसी और तामसी प्रकृति का क्रिया है अतिशय प्रबल रूप में दृष्ट होता है, दिखाई पड़ता है। वर्तमान में भगवान ये तीन श्लोकों के द्वारा दैवी संपत्ति का विषय वर्णना करने गया। वर्तमान भगवान श्री कृष्ण ये तीन श्लोक, पहले जो तीन श्लोक बताया इसके द्वारा दैवी संपत्ति का विषय वर्णन करने गया। तो इसमें चारी आश्रम चारी वर्णों का धर्म समूह ग्रेजुअली इसका प्रभाव का अंदर आ सकता है। ग्रेजुअली वर्तमान समय में ये तीन श्लोकों के द्वारा यद्यपि दैवी संपत्ति का वर्णन किया गया फिर भी इसमें चारी आश्रम चारी वर्णों का धर्म समूह ग्रेजुअली आ ही जाएगा। पहले ये जो सन्यासी जो है इन लोगों के बारे में बताया गया, पहले सन्यासियों के बारे में, क्योंकि एक साथ बताया गया, भगवान ने एक साथ बता दिया, लेकिन इसको भाग करके विचार करो तो आएगा, क्या आएगा, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञानो योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य श्रद्धायुस्तपो आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुपत्वम मार्दवम ह्रीरचापलम तेय क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभियातोषो भारत। तो हिसाब करके विचार करके देखना, यद्यपि एक साथ बताया गया फिर भी
फिर भी इसका अंदर में तीन प्रकृति होने से भी राक्षसी और असुरी प्रकृति को असुरी का असुरी प्रकृति का अंदर भी गिनती में आया है। और वर्तमान भगवान तीन श्लोकों के द्वारा दैवी संपत्ति का वर्णन करने गया तो उसमें ऑटोमेटिकली चार आश्रम और चार ही वर्णों का धर्म समूह ग्रेजुअली बोलते चले। यद्यपि भगवान दैवी संपत्ति को खुलासा करने के लिए बोल रहा है, फिर भी चार आश्रम आचारी वर्णों का तमाम धर्मों जो है ग्रेजुअली बोलते चले भगवान। पहले ही बताया सन्यासी लोगों का धर्म, इसमें अभय, अभय किसका होता है? अभय तो किसी का नहीं हो सकता, जिसका द्वितीय विनिवेश है, क्योंकि भयम द्वितीय विनिवेशतः सत ईशत अपतस्य विपर्यय स्मृति। तो भय किसका नहीं है, भय किसका अंदर में नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, भय सबको के अंदर है, नहीं। भय जो समर्पित आत्मा है, आत्मनिवेदन तुआ पदे कोरी होइनि परम सुखी, दुखो दूरे गेलो चिंतन रहिलो चौदिगे आनंद हेरी। आत्मनिवेदन 100% ये जो है ये अभय होने का रास्ता है, और दूसरा कोई एतत् निवृत्तमानानं मिच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निपुणनिर्णतम हरे नामानुकितम। अल्टीमेटली यही भक्ति राज्य में यही विचार आए निर्भीक एकदम। सो अभय अर्थात निरुद्ध में एकाकी गहन बने व पर्वत गुहाए है ना, यहाँ अभय का व्याख्या किया विश्वनाथ चकोती। अभय मतलब किसी काम धंधा, किसी बिना काम धंधा कैसे हम जिएंगे। अभय मतलब सन्यासी का अगर अंदर में कर्म वासना काम वासना है तो उसको सन्यास नहीं लेनी चाहिए। अरे अभयम ये जो शब्द यूज किया भगवान, अभय किस बात का अभय, हम मर जाएंगे मेरा हालत खराब हो जाएगा, ऐसा भाव नहीं है बिल्कुल। मैं काम धंधा छोड़ दिया, निरुद्यम कोई उद्यम नहीं है, अकेला गहन बर में पर्वत में गुहा पे कैसे जीना संभव है, ऐसा मापिक भय जिसका अंदर में नहीं है वो सन्यासीन, जो खुल्लाम खुल्ला अप्राकृत सत्य वचन को कह सकता है, अनुभव कर सकता है, किसी भी हालत में चाहे बाहरी दृष्टि में वो विपरीत अवस्था है फिर भी उसका अंदर में कोई डर भय बोल के कुछ नहीं है, इसको अभय बताएगा। और संशुद्धि जो है अर्थात आश्रम धर्मानुष्ठान के द्वारा मन का निर्मलता, ये सबसे बड़ा पहला कदम। भजन का रास्ते में कोई भी भजन करो, ये भजन का रास्ते में सत्व संशुद्धि सबसे बड़ा विषय है। अगर सत्व संशुद्धि नहीं हो पाए तो इसका लिए भजन करना संभव ही नहीं, बिल्कुल असंभव है। सत्व संशुद्धि का मतलब है शिव आश्रम धर्मानुष्ठान के द्वारा मन का निर्मलता, मन का प्यूरिटी विधान करना। सत्व संशुद्धि का मतलब है शिव अपना कर्मफल का अनुजय जो आश्रम धर्मों पालन कर रहे हैं एग्जैक्टली सही ढंग से पालन करके, सही ढंग से पालन करके मन का निर्मलता अर्थात अंतकरण का शुद्धि रूप निर्मलता ये होनी चाहिए। सत्व सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि अर्थात स्वीय आश्रम धर्मानुष्ठान के द्वारा सही ढंग से विचार बना के द्वारा मन की निर्मलता विधान करना अर्थात अंतकरण का शुद्ध रूप निर्मलता पहले हो जाए, ये जरूरी है सत्व संशुद्धि। और तीसरा बताया गया ज्ञान योगे व्यवस्थिति,
ज्ञान और योग विषयक श्रवणादि अर्थात ज्ञानेर उपाय में परिनिष्ठा। आई बात समझ में? ये जो भगवान पहले बताया, पहले जो बताया अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये जो ज्ञान योग व्यवस्थिति सत्व संशुद्धि हो गया, इसके बाद ज्ञान योग, ज्ञान योगे व्यवस्थिति अर्थात ज्ञान और योग विषयक जो श्रवण आदि अर्थात ज्ञान का उपाय साधन में परिनिष्ठा होनी चाहिए, ये जरूरी है। ये सन्यासी अर्थात पहले जो बताया जो अभयम, पहले जो तीन बताया अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, अच्छा उसके बाद गृहस्थ धर्मों का बारे में बताया ग्रेजुअली, जिसका बारे में बताया दानम दमश्च यज्ञस्य श्रद्धायुस्तप आर्जवम। अच्छा ये जो वर्तमान, ये जो गृहस्थ आश्रम के बारे में टच किया भगवान, गृहस्थ आश्रम के बारे में टच किया, यहाँ दान अर्थात सही ढंग से फेयर वे अर्थात शुक्लावृत्ति, शुक्लावृत्ति शुक्लोवृत्ति के द्वारा जो हम अर्जित किया हुआ हमारा धन दौलत है या तो रोटी पानी है, इसको दान करना। तो दान का मतलब समझ लो, जब भी भगवान खुल्ला खुल्ला बताया नहीं, फिर भी ये पहले अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान जो, ये जो बताया हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, इसके द्वारा सन्यास का आश्रम का बारे में इंडिकेशन किया, खुल्ला खुल्ला बताया नहीं लेकिन इंडिकेशन किया। गृहस्थ आश्रम के वास्ते में ऐसा है दान अर्थात शुक्लोवृत्ति, हमने चोरी करके कमाया कमा के दान किया ऐसा नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत ऐसा विषय में बात किया अपना आर्टिकल में, नदिया प्रकाश आदि जो पत्रिका है इसमें। दान मतलब शुक्लोवृत्ति, सही ढंग से कमाया गया कष्ट उपार्जित धन का सौभोग्य जो अपने लिए कमाया उसका हिस्सा सत्पात्र, किसी चोर बटवार हीरोइन खोर किसी को दे दिया ऐसा नहीं। अर्थात कोई अगर दान भी करे वह अगर विचार करके ना करे उसका दान गया, यह 18 अध्याय में इसका बारे में खुल्ला खुल्ला चर्चा हो पाएगा, देखना। ये दान का बारे में बताया गया सही ढंग से फेयर हुए कष्ट अर्जित जो सौभग्य अन्नादि है ये सत्पात्रों पॉपर पात्र में जहां तहां दान करने से होगा नहीं। जैसे मुसलमान को गोदान करने से क्या फायदा है, है ना, जवान को गोदान करो क्या फायदा है, वो तो काट के खा जाएगा। सत्पात्र मतलब जो सद्गुण से डेकोरेटेड है, जो भगवान का भजन करता है, इसी पात्रों में दान करने से दान का भी फल मिलता है, दान का एक प्रभाव है। तो ऐसा है दान सुख कष्टार्जित जो सौभोग्य अन्यादि है वो सत्पात्र में सही पात्र में यथा योग्य जितना चाहिए उतना दान करना, ये समर्पण करना चाहिए। और दूसरा है दमो, दमो मतलब गृहस्थ व्यक्ति के लिए दमो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बाह्य इंद्रियों वर्गों का संयम ये अभ्यास करना। मैं गृहस्थ हूँ अतः कुछ भी कर ले ऐसा अप्रूव नहीं है, भगवान अप्रूव नहीं किए, इसीलिए दान का बाद दान का व्याख्या की, उसके बाद दमो, दमो मतलब बाह्य इंद्रियों वर्गों का यथा योग्य संयम। और सकल विषय में शास्त्र विहित यथोयोग भोक्षिका, शास्त्रों में जो अप्रूव है, शास्त्रों में जो अप्रूवल है, ये शास्त्रों का अप्रूव, शास्त्रों का अप्रूवल का अनुसार, शास्त्रों का अनुमोदन का अनुसार अपना
जीवन जिंदगी में थोड़ा बहुत युक्त वैराग्य के स्वाद भोगों को ग्रहण करना। इसलिए तमाम शास्त्रों में यथायोग्य भोग सकल सब तमाम विषयों में, कई भी विषय, या खाना पीना बैठना उठना सोना, सब विषय में शास्त्रों युक्त वैराग्य, शास्त्रों विहित, शास्त्रों में जो लिखा गया, शास्त्रों में जो अप्रूवल दिया गया, इसी का मुताबिक यथायोग्य भोग नहीं तथा रोग। वैष्णव कौन है इसमें प्रभुपाद लिखा है, यथायोग्य भोग नहीं तथा रोग। यथायोग्य माने ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट, ऑल प्रॉपर भोग, युक्त वैराग्य, यहाँ कोई दोष नहीं है शरीर रक्षा के लिए ग्रहण करना। इसीलिए दान दमों का बारे में बताया गया, सकल सब विषय में शास्त्र विहित यथायोग्य भोग जो शास्त्रों में अप्रूवल है, अनुमोदित है, उसी को ग्रहण करना। जैसे कि विवाहित स्त्री में ऋतुकाल छोड़कर संग नहीं करना, यह पाप है, अन्याय है। और योग करना, योग का भी पहले बहुत द्वितीय अध्याय में मैंने व्याख्या किया था, योग का भी बहुत सारे व्याख्या किया है। ये योग करना जरूरी है गृहस्थ व्यक्ति के लिए, जब भी सन्यासी के लिए ज्ञान योग करता है। और ये योग जो है गृहस्थ व्यक्ति के लिए वेद भी तो अग्निहोत्राति वैदिक योगों का अनुष्ठान, इसमें ये योगों का थोड़ा व्याख्या होनी चाहिए। जैसे कई किस्म का योगों का बारे में मैंने बताया था, दैव योग्य ऋषि योग्य, ऋषि दैव योग्य, दैव योग्य ऋषि योग्य, भूत योग्य, ये सारे हमने बताया है सब बारे में। ये योग्य सब, ये सब अपना गृहस्थी जिंदगी में आदमी को ये योग्यों के बारे में ध्यान देना चाहिए। निजोग्य भूत 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 योग्य सामान जो है दैव योग्य, ये सब करना है। और श्राद्धाय श्राद्धाय है ब्रह्मयोग्य, श्राद्धाय है ब्रह्मयोग्य, श्राद्धाय जो है ये ब्रह्मयोग्य है। अर्थात ये जो योग्यों के बारे में जो बताया है, ये जो हमने बहुत पहले चर्चा किया था, जो अगर शास्त्रों का अनुशीलन करके आचरण करके किसी को शिक्षा देना, ये ऋषियों का जो ऋण है इससे उतारने के लिए जरूरी है। श्राद्धाय ब्रह्मयोग्य है शास्त्र, श्राद्धाय जो ब्रह्मयोग्य है अर्थात शक्तिमान भगवान का प्रतिपादक अपौरुषीय अक्षर ब्रह्म के अनुसंधान पूर्वक वेदाभ्यास निष्ठ हो जाना, ये सब जरूरी है। निजोग्य अतिथि सेवा आदि निजोग्य का अंदर आता है। और छोटा मोटा प्राणी जो है उसको डेली कुछ कुछ खाना बना देना, कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े सबों के लिए, ये भी योग होता है। और श्राद्धाय मतलब ब्रह्मयोग, यह हमने बता दिया। जो शक्तिमान भगवान का प्रतिपादक जो अपौरुषीय अक्षर राशि, इसका अनुसंधान पूर्वक वेद अभ्यास करना, ये श्राद्धाय का ये अर्थ है। वानप्रस्थ का बारे में बताया गया, तपस्या ये शरीर का भेद, शरीर आदि ये जो तपस्या है, ये शरीर का भेद का अनुसार ये भी कैटेगराइज हो सकता है, कायिक मानसिक वाचनिक, तीन प्रकार का हो सकता है। ये जो तपस्या है ये शरीर मन और वचन भेद से तीन किस्म का है। कायिक तपस्या आप जानते ही हो, कष्ट उठाना, मानसिक तपस्या कोई कामना वासना को नहीं रहना और मन को सीधा रखना भगवान का ओर, ये मानसिक तपस्या है। वाचनिक तपस्या मतलब उल्टा पलटा नहीं बोलना, भगवान का कथा भगवान का प्रसंग छोड़ के कुछ नहीं बोलना,
वचनों पर कंट्रोलिंग, ये जो वाचनिक कंट्रोलिंग ये है, ये तपस्या है, उल्टा पल्टा नहीं बोलना कि भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम। चारी वर्णों का ये सब वर्णन किया हुआ और ये जो है चारी आश्रम और चारी वर्णों का बारे में ये धीरे 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 बताया गया। आश्रम के बारे में बताया और चारी चारी आश्रम का विषय में वर्णन करने का बाद चारी वर्णों का विषय में अभी कहने जा रहा है। याद है हमने बताया संन्यास के बारे में बताया, उसके बाद गृहस्थो वानप्रस्थो वानप्रस्थो और ब्रह्मचारी का, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य जो है ये तो ये जो तीन किस्म का कायिक मानसिक वाचसिक ये तो सन्यासी का लिए भी है और सन्यासी का लिए भी है और ब्रह्मचारी के लिए भी है, तपस्या आदि गुरु सेवा इत्यादि। इतना डिटेल्स नहीं बताया फिर भी ये टच किया। और चारी आश्रम का बारे में वर्णन करने के बाद चारी वर्णन का विषय में बताने गया, इसका बारे में पहले ब्राह्मण का बारे में कह रहे हैं, ब्राह्मण का बारे में कहने गया तो यहाँ ब्राह्मण का बारे में भगवान कह रहा है कि क्या कह रहे हैं, चार आर्जवो मतलब सरलता, आर्जवो मतलब सरलता, तहा श्रद्धालु श्रोता का निगम सकियो परिगत। हाँ आर्जवो मतलब किसी को छुपाते हुए नहीं बोलना, अंतर में कुछ चीज को छुपाकर बाकी ऊपर ऊपर कुछ बता दिया ऐसा नहीं, इसका नाम आर्जवो नहीं है। आर्जवो का मतलब है कोई बिना छुपाए किसी चीज को पेश करना किसी का सामने, आर्जवो ये सरलता, ये ब्राह्मण का गुण है। श्रद्धालु श्रोता का निकट अपना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन बोला कुछ नहीं बोला गोपन करना ये उचित नहीं है, ये आर्जवो नहीं हो सकता। आर्जवो मतलब खुल्लम खुल्ला बता दिए, जैसे मैंने उदाहरण दिया था जवाल सत्यकाम, जवाल सत्यकाम गौतमी ऋषि के पास जाके प्रार्थना किए, गुरुजी मेरे को भी आप ले लो, मेरे को आप ग्रहण करो चरण में, हम वेद पठ करेंगे। गौतमी ऋषि पहले प्रश्न किया तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम क्या ब्राह्मण हो कि क्षत्रियो क्या हो। वो बोले हमको जानकारी है नहीं, हम आपको काल बताएंगे। तो माताजी के साथ उस प्रश्न की, उसका बाद भरे सभा में आकर खुल्लम खुल्ला एकदम बिना छुपाए बता दिए, मेरा माताजी ने कही कि मेरा क्या वर्ण है इसका बारे में पता नहीं, सेवा करते करते मेरा जन्म हुआ बहुत सारे ब्राह्मण बहुत सारे आदमी का। तो ऐसा जब सच्चा कठोर सच्चा ऐसा जब कट्टा सच्चोर प्रवचन को रख दिया, गौतमी ऋषि ने बता दिया देखो आई एम डेफिनेट अबाउट यू, हम इस विषय में निश्चित है तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि अगर ब्राह्मण नहीं हो तो ऐसा कठोर सच्चा प्रवचन नहीं बोल सकते, तुम आओ मेरा पास, मैं तुमको जरूर हम वेद पढ़ाएंगे दीक्षा देंगे। तो गौतमी ऋषि का प्रवचन था इस विषय में क्या है सिद्धांत, ब्राह्मणे अर्जवो साक्षात शूद्र अनर्जवो लक्षणम, ब्राह्मणे अर्जवो साक्षात, ब्राह्मण में अर्जवो सकता सच्चाई कोई छुपाना नहीं है, ब्राह्मणे अर्जवो साक्षात शूद्रे अनर्जवो लक्षणम, शूद्रो में अनर्जवो, शूद्रो क्या करते हैं शोकं करोति इति शोका, शूद्र वो छुपाता है सब, शूद्र है कपट। तो आर्जव जो सरलता है, इसका बात ब्राह्मण का और क्वालिटी उतना डिटेल्स बताया नहीं, 12 गुण 14 गुण सारे बताए लेकिन इंडिकेशन है जरूर। इसीलिए विश्वनाथ चतुर्वेदी कहते हैं कि पहले भगवान व्याख्या करते हुए दैवी
गुणावली का व्याख्या करते गए, पहले चार आश्रम का, उसका बाद चार वर्णों का थोड़ा वो इंडिकेशन दिया। तो आर्जव के बाद अहिंसा ये शब्द है, अर्थात किसी को दुख नहीं देना। अहिंसा मतलब जीव हिंसा का बारे में प्रभुपाद जी ने खुल्ला खुल्ला व्याख्या किया। बाहरी दुनिया का ये कंसेप्शन है, धारणा है, किसी को फिजिकल टसल किया, शारीरिक रूप से आक्रमण किया, ये हिंसा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया जीव हिंसा जीव हिंसा का गहरा अर्थ है, क्योंकि जीव शरीर नहीं है, जीवात्मा जो है ये आत्मा है। तो बाहरी दुनिया का आदमी जो जीव हिंसा, ये अपना शरीर का जो शरीर है इसका अंदर में सीमित रखना चाहता है, इसका जो कंसेप्शन है अहिंसा, एलो का जो अहिंसा का कंसेप्शन है, ये अपना शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ विषय में ये कंसेप्शन को सीमित रखता है। लेकिन पोपा जी ने बताए ये तो शरीर जीव नहीं है, ये जीवात्मा शरीर पकड़ा है कर्म फल के अनुसार, और ये मोटा शरीर जो है, ये मोटा शरीर कभी भी जीव पदवाच्य नहीं है, और इसका अंदर में सटल बॉडी सबटल बॉडी जो है ये भी, इसका बारे में भी ये जो जीव हिंसा ये शब्द यूज नहीं किया है। फिर कैसे हम व्याख्या करें, प्रभुपाद जी ने बताया ये सूक्ष्म विचार किया जाए तो देखा जाएगा जो जीवों को भगवत भक्ति छोड़कर दूसरा कर्मकांड का रास्ते में गाइड करना, ये सबसे बड़ा जीव हिंसा है। जीव आत्मा का जो स्वाभाविक वृत्ति है भक्ति, ये भक्ति का बारे में बिना बताते हुए उसका अगर उल्टा मार्ग पे चला दे, इसको अगर उल्टा मार्ग में चला दे, ये जीव हिंसा हुई। प्रभुपाद का हिस्सा ये जीव हिंसा का सर्वोपरि सबसे बड़ा अनोखा हिसाब है। ऐसे तो जीवों का फिजिकल अटैक को भी हिंसा बताया गया, फिर भी जीव हिंसा का सूक्ष्म विचार प्रभुपाद जी ने दिखाया। तो किसी प्राणी को काय मनोवाक्य में किसी को हिंसा नहीं करना, ये जरूरी है। काय मनोवाक्य किसी को उद्वेग देना ये सब उचित नहीं है, हिंसा नहीं करना, और मेंटल टॉर्चर ये भी ये हमारा दुनिया में जो विचार है हिंसा का, ये मेंटल टॉर्चर किया जाए ये भी हिंसा है। लेकिन प्रभुपाद का हिसाब के अनुसार जीवात्मा का ऊपर जो अन्याय अत्याचार है, मतलब हरिभक्ति छोड़कर दूसरा बारे में उपदेश देना, मिसगाइड करना, ये सबसे बड़ा जीव हिंसा का अंदर आए। और ताले क्या गया, आर्जवो गया, अहिंसा गया, अब सत्य आर्जवो ने सरलता किसी बिना छुपाए कह देना, अंतर बाहिर सम व्यवहार, ये आर्जवो है। आर सत्य मतलब अनर्थ उत्पादन, सत्य अनर्थ उत्पादन ना करे, सत्य कोई अनर्थ पात ना हो जाए, ऐसा मापिक यथा कोई अनर्थ उत्पादन ना हो जाए, कोई उल्टा ना हो जाए, जो मेरा सामने जो विषय आया है उसको इंटैक्ट बोलना, ये सत्य है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सत्य अनर्थ उत्पादन करता नहीं, ये सत्य। ऐसा मापिक यथा
दृष्टार्थो विषयक वाक्य बोलना ये सत्य है, और अक्रूत का मतलब है दुर्जन दुर्जन कृतोस्य तिरस्कार। अक्रोध मतलब क्रोध का विषय है, क्रोध का विषय है, क्रोध होनी चाहिए लेकिन हुआ नहीं, उसको कंट्रोल में कंट्रोलिंग में कर लिया। अक्रोध मतलब दुर्जन कृतो सियो, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति कृतो सियो तिरस्कार अभूदितो, जो कोप क्रोध एकदम आने लग गया उसको चेकिंग कर लिया, क्रोध को वशीभूत कर लिया, ये अक्रोध है। जैसे नित्यानंद के बारे में बताया अक्रोधो परमानंदो नित्यानंद राय, और जगाई मादाई ने क्या किया, कलसी का एक टुकड़ा एकदम फेंक कर नित्यानंद बाबू का खून बहा दिया, फिर भी नित्यानंद बाबू का कोई क्रोध नहीं हो पाए, हुआ नहीं। अक्रोधो परमानंदो नित्यानंद राय अभिमान सुन्न नीताय नगरी बेधाय, सो अक्रोध का व्याख्या हुआ। और त्याग, त्याग मतलब, त्याग मतलब दुरुक्ति के हो, दुरुक्ति के हो करने से भी प्रकाश नहीं करना, हमारा लिटरल मीनिंग त्याग, त्याग का लिटरल मीनिंग जो मेरा पास है वो छोड़ दिया, त्याग का जो लिटरल मीनिंग है इसका माने है मेरा पास है उसको हम छोड़ दिया, त्याग कर दिया। लेकिन हमारा जुक्तो वैराग्य के हिसाब के अनुसार त्याग किस चीज को कर सकता, जबकि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, जबकि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है तो किस वस्तु को मैं त्याग कर सकता, ये बेकार की बातें हैं, ना ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। ये हो सकता है कि जो मेरा सामने, जो मेरा सामने जो भी वस्तु और व्यक्ति आए इसको हरि भजन में युक्तो वैराग्य में लगा दिया, ये हो सकता है। तो त्याग का लिटरल मीनिंग है हमारा पास अभी जो है उसको हम छोड़ दिया, त्याग कर दिया। लेकिन त्याग का इनर मीनिंग प्रभुपाद जी ने बताया विश्वनाथ चतुर्वेदी, दुरुक्ति के हो करने से भी, बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, दुरुक्ति कोई करने से भी उसको प्रकाश नहीं करना, ये त्याग है। शांति मतलब मन का संयम, मन अगर वशीभूत नहीं है तो शांति काहे की है, शांति आ नहीं सकता। नौच इंद्र सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्त समूने रेकांत जीवना, विषय से छुटकारा मिल गया, भगवान का चरण में मन लग गया, युक्त वैराग्य का जो विचार है समझ में आया, तभी शांति मिल सकता। शांति का उत्पाठन व्याख्या कर सकता है कोई आदमी, लेकिन ये शांति का अप्रोप्रिएट व्याख्या नहीं है। शांति का मतलब है मन का संयम, और मन का संयम मतलब है जरूर भगवान के चरण में मन को लगाया, नहीं तो मन का संयम नहीं। मनः दुर्निरिग्रहम चलम असंशयो महाबाहो, असंशयो महाबाहो दुर्निरिग्रहम, मनः दुर्निरिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कुंतियो वैराग्येन चाग्यत। तो शांति मतलब मन का संयम है, और मन का संयम मतलब भगवान में अगर चरण, भगवान चरण, भगवत चरण में अगर मन नहीं है तो शांति काहे बात की है। अपैशुन माने परोक्ष अपरेर अनर्थकारी वाक्य नापक, अपैशुन मतलब ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई शब्द जबान से निकल ना जाए, जैसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कोई भी अनर्थ पात हो सकता है, कुछ भी झगड़ा लड़ाई हो सकता है। अपैशुनों का मतलब है परोक्षो, परोक्षे परेर अनर्थकारी, कोई वाक्य को प्रकाशित नहीं करना, संयत हो जाना। आठ है भूतो गणों का पति दया, भूतो गणों का पति दया मतलब है भूतो गणों का जो दुख है ये सहन करने में असमर्थ है तो दया, भूतो गणों का पति दया क्या बात है, इन लोगों का दुख, इन लोगों का जो दुख भरे नाले हैं
दुख कष्ट है ये सहन करने में असमर्थ है, ये दया है। अलोलुपत्व मतलब लोभ शून्यता, अलोलुपत्व मतलब है लोभ शून्यता, अर्थात मतलब कोई लोभ नहीं है ऐसा। और मार्दवो मतलब कोमलत्व, सॉफ्टनेस, मार्दवो मतलब मृदु, मार्दवो मतलब है मृदु, मृदु मतलब कोमल। और ये मार्दवो मतलब कोमलत्व अर्थात संसार, अर्थात सॉरी मार्दवो मतलब कोमलत्व अर्थात सत्पात्रे सत्पात्रों का संग विच्छेद सहन करने में असमर्थ मार्दवो, ये कोमलत्व है। कोमलत्व क्या है, कैसे सोचा जाए कि ये कोमल है, कोमल हृदय ऐसा सोचा जाएगा जो सत्पात्रों अर्थात भगवत भक्तों का संग विच्छेद होने से ये असमर्थ हो जाता सहन करने में, इसका नाम है मार्दवो। जैसे जैसे राय रामानंद महाप्रभु से महाप्रभु दूर चले जा रहे और राय रामानंद का अंदर में एकदम दिल टूट पड़ा, आई बात समझ में, ये जो कोमलत्व अर्थात सत्पात्रो अर्थात भक्तों का संग विच्छेद सहन करने में असमर्थ है, दिल पिघल जाता है। इस विषय में राय रामानंद संबंध में बताया गया है विरह, वैष्णव विरह नहीं, विरह वैष्णव विरह बिना विरह नहीं आ, विरह मध्य कौन विरह है गुरुतर, विरह का अंदर में कौन सी विरह सबसे बड़ा तगड़ा है, सबसे बड़ा कष्टदायक है। इस विषय में बताया जो वैष्णव विरह गुरु वैष्णव से दूर हो जाना इससे सहन में असमर्थ है, ये जो भाव है ये मार्दव है, ये मृदु भाव है। अगर गुरु वैष्णव चला गया कुछ भी, अरे आए आए तो नहीं आए नहीं आए, ये मार्दव भाव का लक्षण नहीं है। और ह्री का मतलब है विकर्म में लज्जा, जो शास्त्र में विहित कर्म इसको नहीं करना अकर्म है, शास्त्र में जो विहित कर्म है इसको उल्टा करना इसका इसका विकर्म है। शास्त्रों में विहित कर्मों के कर्म माना गया वैदिक कर्म, इसको नहीं करने का मतलब है नहीं करने का मतलब है अकर्म, और इसका शास्त्र में जो लिखा हुआ उसका विपरीत कर्म करना ये विकर्म है। तो ये जो है मार्दवो हिरी, हिरी मतलब विकर्म लज्जा, शास्त्रो शास्त्रो विगर्हित कर्म में लज्जा बोध, अरे कैसे हम करें, ये तो आप कह रहे हो लेकिन ऐसे कैसे हम करें, ये शर्मिंदा हो जाएंगे ना। ये जो है ह्री मतलब विकर्म में लज्जा है, विकर्म अर्थात वो शास्त्रो विहित कर्मों का उल्टा करना करने जाए तो इसमें शर्मिंदा हो जाता है। आई बात समझ में, जैसे कश्यप ऋषि के सामने सायंकाल में संध्या वेला कश्यप ऋषि के सामने दीति मैया ने जोर जबरदस्ती की, कश्यप ऋषि ने बताया ये उचित नहीं है, ये सायंकाल स्वयं मुहूर्त संध्या का समय है, लेकिन फिर भी नहीं मानी। लेकिन ये उल्टा काम करने का बाद फिर शर्मिंदा हो गई, सर झुका ली, ये जो है ये हरी उल्टा कर्म करने से शर्मिंदा, वो करने का बात करने का पहले हो जाए तो अच्छा है। री मतलब विकर्मे अर्थात शास्त्रो विगर्हित कर्म करने में लज्जा, अतः हमने बताया करने का बाद शर्मिंदा हो, लेकिन करने का पहले शर्मिंदा हो तो अच्छा है। हरी एक पॉजिटिव है। अचपल माने व्यर्थ क्रिया शून्य, अचपल मतलब भगवान का चिंतन भगवान का सेवा लेके एकदम बिल्कुल स्टेडीनेस,
अचंचलता मतलब भगवान छोड़ के दूसरे वस्तु में लगन अगर हो गया वो उसके पीछे दौड़ना, ये है और इसका मतलब है चापल भाव। और इस ये नहीं करना मतलब ये अचपल भाव, अर्थात भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का सेवा लेके निश्चल होकर एक ही अवस्था में रहना, ये अचपल बोला जाता है। और अगर ऐसा स्थिति नहीं आई जिंदगी में तो इसको चंचल चंचल अवस्था में गिरना पड़ता है। अचापल व्यर्थ क्रिया सुनो, व्यर्थ मतलब भगवान छोड़ के सभी व्यर्थ हेतु है। अतपर क्षतियों के बारे में बताया इंडिकेशन, ये खुल्ला खुल्ला भगवान नहीं बताया, बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चतुर्वेदी ये लोगों ने खुला खुलासा करके कह रहे हैं कि इसका बारे में देखो, क्षतियों के बारे में बताया आई ना बात। ये जो हमने ब्राह्मण का बताया उसका बाद देखो, ये इंडिकेशन है, जैसे कि इंडिकेशन दिया गया ब्राह्मण का बताया और क्षत्रियों के बारे में तेज है। तेज मतलब किसी का द्वारा ओवर पावर्ड नहीं होना, किसी का वशीभूत नहीं होना। तेज मतलब किसी के द्वारा ओवर पावर्ड नहीं होना, ये सब ये जो है तेज तुच्छो पर्सनैलिटी, तुच्छो सामान्य पर्सनैलिटी के द्वारा अभिभूत तो नहीं होना, इसका नाम है तेज। अर्थात पराभूत नहीं होना, अर्थात पराभूत नहीं होना, इसका नाम है तेज। और क्षमा मतलब, क्षमा मतलब हमारा अंदर में सामर्थ्य है किसी को पनिशमेंट देना लेकिन छोड़ दिया, चलो सामर्थ्य रहने से भी अपने से असमान नीचा छोटा असमान व्यक्ति के निकट परिभव होने से भी इसका ऊपर क्रोध नहीं करना। क्षमा, क्षमा का मतलब सामर्थ्य होने से भी असमान व्यक्ति का व्यवहार के द्वारा किसी भी हालत परिभव हो, परिभव हो गया फिर भी उसका ऊपर क्रोध नहीं होना, ये है इसका नाम है, इसका नाम है क्षमा, इसका नाम है क्षमा। और धृति मतलब शरीर और इंद्रियों का अवसन्न होने से भी अवसाद, धृति मतलब शरीर और इंद्रियों एकदम अवसन्न हो गया होने से भी ऐसा किस्म का अवसाद दूर करने के लिए प्रयास प्रचेष्टा करना, इसका नाम धृति। धृति मतलब शरीर और इंद्रियों का जो अपटुता इन एक्टिविटी अवसन्नता होने से भी शरीर और इंद्रियों अवसन्न बहुत टायर्ड हो गया फिर भी अपना मन का अंदर में हृदय का अंदर में अवसाद नहीं है, दूर अवसाद दूर करने का प्रयास प्रचेष्टा करना, इसका नाम है धीति। जैसे कि पुनरा अवसाद, जैसे कि दोबारा अवसाद ना आए। और अभी बाद में चलकर वैश्यों का बारे में बताया भगवान, शौचो अद्रोहो अनंतो अनंतर, तो क्या माने हैं शौच मतलब व्यापारे वाणिज्य माया अर्थात प्रवंचना ओ मिथ्या वासनादि राहित्व। शौचो, शौचों का एक्चुअल मीनिंग है कपड़ा धोना, मन को पवित्र रखना, ये शौच है, लेकिन ये लिटरल मीनिंग है। और शौचों का और विचार किया जाए जो
बिजनेस में, व्यापार वाणिज्य में प्रवंचना, किसी का छल चातुरी नहीं करना, और मिथ्या भाषण आदि के द्वारा राहित्व, अर्थात झूठा का सहारा नहीं लेना, ये सबसे बड़ा प्योरिटी है। और इससे भी बढ़कर सबसे बड़ा प्योरिटी है भगवान का चिंतन करना। तो शौचों का माने जिस विषय में वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य में माया अर्थात प्रवंचना, चीटिंगबाजी नहीं करना, मिथ्या भाषण आदि राहित्व, कभी भी झूठा बोलता नहीं, और द्रोह मतलब दूसरे को ठेस पहुंचाना, दूसरे को कष्ट करना, कष्ट कष्ट में डालना, इसका ये अद्रोह, किसी को कष्ट में डालना इसका इच्छा नहीं, अद्रोह। अद्रोह, अद्रोह मतलब दूसरों को हनन करने का इच्छा नहीं करना। अनंतर शूद्रों का विषय में बताया गया, शूद्रो हर वक्त नातिमानी था, मतलब अपने को कभी बड़ा मत समझो, चाहे कुछ भी हो, हर वक्त अपने को पतित समझना। नातिमानी था मतलब अपना पूजा लेने में कोई इच्छा नहीं रखना, अपना पूजा। नातिमानीता मतलब एक विशुद्ध वर्ड है, नातिमानीता, ऊंचा मानीता, ये सब प्रभुपाद यूज करते थे शब्दों। नातिमानीता मतलब अपने को पूज्य नहीं समझना, अपने में पूज्यत्व भाव शून्यता कभी भी नहीं रखना। ओ विप्रादि त्रिवर्गो जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब कोई का पति विनम्र भाव पोषण करना, और जो भी सेवा आए ये तीन संप्रदाय का सेवा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। देवता लोग जो है, ये लोग केवल परमेश्वर का अनुगत्य परायण, देवता लोग जो है ये लोग केवल परमेश्वर भगवान का अनुगत्य परायण है। इन लोगों का यही संपादना में है, संपादना का रिजल्ट, और यही लोगों का यही संपादना फले, अर्थात देवतालों का जो ये जो देखो इसमें अनुचा मानी था, फिर उसका बाद जो शब्द यूज किया पोपा जी ने, 26 प्रकार का गुण जहाँ है, नातिमानिता एक सबसे विनम्र गुण है, अपने को काउंट में नहीं लेना, पूजो तो भावना सुनो था, मैं पूज्य हूँ पूजा करो ऐसा भाव सुनो था, ये नातिमानिता। विप्रादि त्रिवर्गों का प्रति विनम्र भाव पोषण करना, यही 26 गुण जिस जिस जगह प्रधानीभूत है, कंसेंट्रेट होकर ये 26 गुणावली जो है, ये 26 प्रकार का गुण जहां जहां प्रधानीभूत है, और जो कुछ बोला नहीं गया, छुप जो कुछ बताया गया, ये 26 प्रकार गुण जिस जगह प्रधानीभूत है, कंसेंट्रेटेड 26 गुण, और जो कुछ बोला नहीं गया, छब्बीस प्रकार का जो गुण है जहां कॉन्सेंट्रेट है प्रधानीभूत, और जहां बोला नहीं गया ता उपलक्षण है। देहारंभक कालोन्मुख सुकृति के द्वारा शरीर, ये जो संसार धर्म जो है, देहारंभक शरीर का चंचलता, देहारंभक और काल उन्मुख सुकृति के द्वारा व्यक्तो दैवी
शुभ वासना को लक्ष्य, शुभ वासना को सामने रखते हुए जातो पुरुष का नाम प्राप्त होता है। श्रुति में भी ऐसा लिखा हुआ है, पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्यवान हो जाता है, पाप कर्मों के द्वारा पापी घर में पैदा होता है। और देवता लोगों के परमेश्वर का हो सके परिपूर्ण रूप से अनुगत्य नहीं दिखा सके, लेकिन फिर भी देवता लोग केवल परमेश्वर का अनुगत्य पर हैं। आई बात समझ में? तो ऐसा करके अभयम सत्यो संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योगो व्यवस्थिति, दानम दमश्चो यज्ञश्चो साध्यायुस्तैगो आर्जवम, अहिंसा सत्यम अक्रोधो स्त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुपत्वम, मार्दवम ह्रीरचापलम, तेय क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभियातो शोभारतो। क्या लिखा? अभयम, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञानो, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च योग्यश्च श्रद्धायुस्तपः आर्जवम। क्या बताया? अभयम, अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानम दमश्च यज्ञश्च श्रद्धायुस्तपो आर्जवम, अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुपत्वम, मार्दवम ह्रीरचापलम, स्तेयः क्षमा धृतिः शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातो शुभारत। ऐसा करके भगवान शुरुआत में सरस्वती के श्रुता शुरुआत में सारी गुणावली दैवी संपद को व्याख्या करने गया। इसमें खुल्लम खुल्ला पूरा व्याख्या किया ऐसा कि इसमें चार वर्णों चार आश्रम का जो दैवी गुणावली उसका पूरा एकदम खुलासा कर दिए भगवान, विचार करके सामने रख दिया। और इसका बाद भगवान कह रहे हैं ये तो चार, पहले तीन अध्याय में भगवान बताया तीन अध्याय, इसके बाद चार नंबर में भगवान कहने जा रहा है अर्जुन को, दम्भो दर्पोभिमानस्य क्रोधो पारुष्योमेव च ज्ञानं चाभियातस्य पार्थो संपदमासुरिम। क्या बताया? दम्भो, दम्भ मतलब मैंने किया, ये अभिमान, दम्भो दर्पो हम दिखा देंगे, दम्भो दर्पो अभिमानस्य, उसका मैं पूरा अभिमान, क्रोध बातों बातों में क्रोध, दम्भो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च ज्ञानं चाभिजातस्य पार्थो संपदम आसुरिम। क्या बताया? दम्भो दर्पो अभिमानस्य क्रोधो परुष्यमेव च अज्ञानं चाभियातस्य पार्थो संपदम आसुरिम।
दम्भो दर्पो अभिमानस्यो क्रोधो परुष्यमेव च अज्ञानं चाभियातस्यो पार्थो संपदं आसुरिम। इसमें बताया गया ये दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध निष्ठुर बिल्कुल निष्ठुर है ऐसा करके जे दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध निष्ठुरता अविवेकता ये छ जो है औषध वासना के साथ धीरे धीरे बढ़ते रहता है। औषध वासना के साथ इसका बढ़ते रहते हैं दम्भो बढ़ते हैं दर्पो अभिमान क्रोध निष्ठुरता अविवेक ये छ जो औषध वासना के साथ बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं। और ऐसा मापिक व्यक्ति जो जिसका जन्म जातो व्यक्तिगण को आसुरी संपद जिन जिन लोगों का जन्म हुआ है इस स्थिति में जो ये सब दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध निश्चुरता अविवेकता ये छ किस्म का ये असत वासना का साथ रहता है जातो व्यक्तिगण को इन लोगों का आसुरी संपत्ति दैवी संपत्ति व्याख्या किया अब आसुरी संपत्ति इसका बारे में काल पूरा चर्चा हो पाएगा आज तो समय नहीं है। तो अहो क्या बताया प्रह्लाद महाराज जी ने बताया काहम रजहो प्रभवो क्वाहम रजहो प्रभवो ईशो तमो अधिके अस्मिन् यातहो सुरेतर कुले क्वा त्वानुकंपा न ब्रह्मणो न च भवस्यो न वैरमया जन्मे अर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः क्वाहं रजः प्रभवो ईशो तमो अधिके अस्मिन् यातहो सुरेतर कुले क्वा त्वानुकंपा न ब्रह्मणो न च भवस्यो न वैरमया यन्मे अर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः वांछा कल्पतरुष्य के पास इंद्र पतितानं पावन भवेष्णवेभ्यो नमः।